इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आपने चार्ज को फेंका, काफ़ी सारे चार्जेस को फेंका, बेसिकली तीन चार्जेस हैं हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और इस रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो चार्ज को फेंका, चार्ज नंबर वन कुछ ऐसे गया, चार्ज नंबर टू कुछ ऐसे गया, चार्ज नंबर थ्री कुछ ऐसे गया, सबकी वेलोसिटी सेम है। तो वी हैव टू कमेंट ऑन द पोलैरिटी एंड क्यू बाय एम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रॉस बी अगर देखें तो वी क्रॉस बी आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, वी क्रॉस बी सॉरी टुवर्ड्स राइट, वी क्रॉस बी दिस इज वी एंड दिस इज बी, सो वी क्रॉस बी इज टुवर्ड्स राइट। तो जो भी चार्ज राइट की तरफ मूव किया है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वी क्रॉस बी ऐसे, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लग रही है तो चार्ज पॉजिटिव है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इट मीन्स इफ क्यू इज पॉजिटिव, इफ क्यू इज पॉजिटिव, एफ इज अलोंग वी क्रॉस बी, एंड इफ इट इज नेगेटिव एफ इज ऑपोजिट टू वी क्रॉस बी। ओके, तो क्योंकि वी क्रॉस बी इधर है, पॉजिटिव चार्ज है, टू भी पॉजिटिव चार्ज है, थ्री एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो पोलैरिटी हमने जज कर ली, वन पॉजिटिव, टू पॉजिटिव एंड थ्री नेगेटिव। नाउ विल टॉक अबाउट देयर रेडियस। ऑब्वियसली रेडियस ऑफ वन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ टू विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ थ्री। जस्ट पुट देयर वैल्यूज एम वी बाय क्यू वी, क्यू वन वी वेलोसिटी सबकी सेम है, एम टू वी बाय क्यू टू बी इज इक्वल टू एम थ्री वी बाय क्यू थ्री बी। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है तो वी और बी हटा सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ एम बाय क्यू छोटा है तो क्यू बाय एम बड़ा होगा, तो क्यू वन बाय एम वन इज लार्जेस्ट एंड क्यू टू बाय एम टू और क्यू थ्री बाय एम थ्री इक्वल है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द चार्जेस आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम वोल्टेज वी नॉट, वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। चार्जेस क्या क्या हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, अल्फा एंड बीटा। ओके, सबसे पहले इन चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मास ऑफ प्रोटॉन को एम नॉट लिया जाए और चार्ज को ई, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m0 और चार्ज ई, ट्रिटियम का 3m0 और चार्ज ई, अल्फा का 4m0, एज्यूमिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है तो अल्फा का 4m0 और चार्ज 2e, बीटा का मास एम डैश विच इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू m0 और चार्ज माइनस ई। ओके, तो ये इनके चार्जेस और मासेस का इंफॉर्मेशन है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है क्यू वी नॉट। ओके, तो वी नॉट तो सबके लिए सेम है, तो रेशियो ऑफ क्यू इज द रेशियो ऑफ के, क्योंकि सेम वोल्टेज से एक्सलरेट करा है, तो रेशियो ऑफ क्यू है 1:1:1:2:1। मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का। व्हाट अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम इज अंडर रूट 2m ke, रेशियो ऑफ मोमेंटम विल बी अंडर रूट 2m ke, टू इज सेम तो उसको हटा सकते हैं, तो रूट एम के ई, मास इज 1 एंड के ई इज 1 तो 1 रूट 1, और इसको आप लिख सकते हो रूट 2:1, दिस इज रूट 1:1, इसको आप लिख सकते हो रूट मास इज 3, काइनेटिक एनर्जी इज 1,
तो रूट इसको आप लिख सकते हो, रूट मास इज 4, काइनेटिक एनर्जी इज 2, और इसको आप लिख सकते हो मास इज वेरी स्मॉल, तो वी कैन निगलेक्ट दिस, ठीक है, इट विल बी टेंडिंग टू 0 एज कंपेयर टू दिस. ओके, सो इन अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ये लिख सकते हैं 1 रूट 2 रूट 3, 2 रूट 2 एंड 0. ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं, रेडियस इज मोमेंटम बाय क्यू बी. अगेन बी इज सेम, तो पी बाई क्यू का रेशियो चाहिए, पी इज 1, 1 बाय क्यू इज 1, दिस इज पी इज रूट 2, चार्ज इज 1, रूट 3 बाय 1, 2 रूट 2 बाय चार्ज इज 2, एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, 0. टाइम पीरियड, टाइम की ईयर इज 2 पाई m बाय क्यू बी, सो वी नीड नॉट टू टेक 2 पाई एंड b बिकॉज दे आर सेम, सो m बाई क्यू इज 1, 2 बाय 1, आई एम जस्ट टेकिंग द फैक्टर्स, ओके, एंड दिस इज 3 बाय 1, एंड दिस इज 4 बाय 2 विच इज 2, एंड दिस इज टेंडिंग टू 0. ओके, सो द रेशियो इज 1:2:3:2. ओके, इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. अगर मैं मोमेंटम सेम कर दूँ तो आप काइनेटिक एनर्जी वगैरह का और रेडियस और इन सब का रेशियो निकाल सकते हो. ओके, इन दिस क्वेश्चन अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर चार्ज व्हेन इट इज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, आई विल ऐड ए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट इन ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द चार्ज एज पॉजिटिव. ओके, इफ वी टेक द चार्ज एज पॉजिटिव, तो उसके ऊपर वी क्रॉस बी अगर देखें तो वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर की ओर लग रही है. ओके, फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, दिस इज एफ, और कितना ऊपर जाना होता है, आर डिस्टेंस ऊपर, तो आर डिस्टेंस ऊपर गए हम यहाँ से और हमने एक सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर मानते हुए ये इस टाइप का सर्कल आ गया आपका. ओके, तो दोस्तों अगेन फोर्स की डायरेक्शन मिली वी क्रॉस बी से, चार्ज अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया, रेडियस पता लग गई, रेडियस इज नथिंग बट mv बाय qb, और सेंटर आप मिलते ही आपने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत ही सिंपल हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, r, एंड r इज mv बाय qb, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0, mv बाय qb. ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, तो मान लेते हैं t टाइम हो गया है, इसका एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं सर्कुलर मोशन का, सर्कल दिस इज द सेंटर, और ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल को फेंका गया था, ये ओरिजिन है. ओके, तो मान लेते हैं टी टाइम हो चुका है और इसने थीटा एंगल कवर कर लिया है. ऑब्वियसली अब आप बोलेंगे ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट r sin θ, दिस इज r sin θ, एंड दिस लेंथ इज r cos θ, सो दिस इज r माइनस cos θ, r1 माइनस cos θ. ओके, सो ये ओरिजिन है 0, 0, अगर इसको मैं x, y बोलता हूँ तो दिस इज नथिंग बट x एंड दिस इज नथिंग बट y, दीज आर x, y. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्ज
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल कैन बी गिवन बाय सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा आर साइन थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है आर वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही बात है, ठीक है कैपिटल कर लो। ओके, अब बात आई थीटा, व्हाट इज थीटा? ओके, वी कैन से थीटा इज आर्क लेंथ विच इज वी टी ओवर रेडियस। ओके, सो थीटा इज आर्क लेंथ वी टी, क्योंकि टी टाइम में वी स्पीड से चले जा रहा है तो कितना चल लेगा वी टी ओवर दिस। तो अब ये जो फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन बन गया, सिंपली आप थीटा की वैल्यू वी टी डाल देंगे और पूरा जो कोऑर्डिनेट है वो एज ए फंक्शन ऑफ वी आ चुका है, एज ए फंक्शन ऑफ टी आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है आपको बताना है इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखें स्पीड तो वी है, आपको वेलोसिटी बतानी है। तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हैं, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा, तो इसी के साथ ये एंगल भी थीटा। ओके, जैसे ही आपको एंगल्स मिले आपने वी एक्स वी कॉस थीटा एंड वी वाई वी साइन थीटा लिख दिया, और थीटा तो हमें पता ही है विच इज़ वी टी बाय आर। तो वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आपको पूरा वेलोसिटी लिखना हो तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, वैल्यूज प्लग करके वेलोसिटी आ जाएगी। ओके,